Honorable Chairman of SMES, Sri Kaptan Singh Sir, is a highly respected engineer and a social contributor with a rich educational background and extensive professional experience. He completed his BE in Mechanical Engineering from the University of Roorkee, which is now IIT Roorkee. In his service career, he has retired as the Managing Director of the UP Projects Corporation. His tenure was marked by significant contributions to groundwater management, irrigation projects, and industrial restructuring, turning loss-incurring units into profitable ones. His social endeavors are equally commendable. As the founder chairman of Grameen Kalyan Sansthan, he has been at the forefront of rural development, focusing on issues ranging from agriculture to education. His leadership at Madhyam Sahitya Sansthan, an active association with the Surajmal Memorial Education Society, has highlighted his dedication to literature and education. A prolific writer, his contribution significantly to technical, administrative and social as well as economic discourses through his articles as well as books, enriching the field with his insights and his experience. His life and work embody a blend of academic brilliance, professional integrity and a deep commitment to social welfare. I am obliged to invite our Honorable Chairman, Sri Kaptan Singh Sir, to come forward and address our esteemed gathering. आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर जी एस वाजपेयी जी, हमारी विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर के रत्नावली जी, डायस पर बैठे मेरे बहुत ही योग्य सहयोगी अजीत सिंह जी, सोलंकी जी, हमारे डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर प्लेसमेंट ढाका साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब और बहुत ही योग्य हमारी फैकल्टी और विद्यार्थियों, जहां तक हमारी सोसाइटी के बारे में है, संक्षेप में कुछ हरीश जी ने आपको बताया है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज की तिथि में हमारा एमएसआई, हमारा सूर्यमल इंस्टीट्यूट, जिसके तत्वाधान में आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये दिल्ली स्टेट का नंबर वन इंस्टीट्यूट है और करीब 6000 बीबीए कॉलेज हैं प्राइवेट कंट्री में, 6200, उसमें इसका बीबीए के केस में 8वां नंबर स्थान है और बीसीए में 6ठा स्थान। लॉ के बारे में भी सिर्फ मैं ये बताना चाहूंगा कि जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे मेंबर्स ने यहां विजिट किया तो हमारे मूड कोर्ट को देख के उन्होंने कहा था कि दिल्ली में ऐसा मूड कोर्ट उन्होंने कहीं भी नहीं देखा। हमारी सोसाइटी और हमारा मैनेजमेंट ये मानता है कि केवल किताबी ज्ञान देने से स्टूडेंट का भला नहीं होता, हम ये चाहते हैं और ये प्रयास करते हैं कि उसको मार्केट्स की जो डायनेमिक्स है या हमारे अनुभवी लोगों का जो अनुभव है उसका भी उनको परिचय देना चाहिए। इसी संदर्भ में यहां इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और मेरा मुख्य अतिथि महोदय से, विशिष्ट अतिथि महोदय से अनुरोध है कि कभी कभी समय निकालकर आप जरूर यहां आए और हमारे विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से उनको लाभान्वित करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट की तरफ से आपके लिए। मैं जो हमारा क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है इसके बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। इसके चैलेंजेस बहुत हैं। पहला तो यही है कि लार्ज स्टेट के हमारे पेंडिंग केसेस जिसका निस्तारण टाइम पे नहीं होता। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, आपने 2 महीने पहले यूपी की एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, एक सज्जन को 30 साल पहले किसी क्राइम में अरेस्ट किया गया, 30 साल वो जेल में रहा, 30 साल के बाद जज साहब ने फैसला किया वो निर्दोष है। अब उसके 30 साल कौन वापस ला सकता है जो 30 साल उसने जेल में बिताए। इसके अलावा डिले तो हुई, बहुत से केसेस में होता है, क्राइम बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज की डेट में
जो वुमेन के प्रति क्राइम, बच्चों के प्रति क्राइम, अब तो एक नई चीज आ गई है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम रोजाना व्हाट्सएप पे पढ़ते होंगे क्या 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 किस तरह की घटनाएं होती हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत है इसमें वो है कि कहीं कहीं पर पुलिस भी प्रोटेक्शन देने लगती है क्रिमिनल्स। दो साल पहले आपने कानपुर का केस पढ़ा होगा, एक मिस्टर दुबे थे, उन्होंने 10 साल पहले एक मंत्री को मार दिया था उसमें एक न्याय। उनके पास लेटेस्ट हथियार थे और जब उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस यूपी की गई तो पुलिस के ही लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ रही है। पुलिस के कुछ लोगों ने, हुआ ये कि फायरिंग की पुलिस पे और पुलिस के कुछ लोग उसमें मारे गए। तो एक तो हमारी पुलिस ही कहीं ना कहीं उन लोगों को मदद करने लगती है। एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर थे आईपीएस के, वो जानता हूं मैं उनको, वो स्पेशल सेल के इंचार्ज थे। वो अपने साथ सिक्योरिटी लेके नहीं चलते थे। मैंने उनसे कहा भाई आप इतना सीनियर हैं और इतनी खतरनाक काम को देख रहे हैं तो आपको खतरा महसूस नहीं होता? बोले कि देखिए पुलिस के छोटे से छोटे सिपाही से बड़ा क्रिमिनल डरता है, लेकिन उसका डर तब खत्म हो जाता है जब पुलिस उसके साथ मिल जाती है। अगर पुलिस ना मिले उसके साथ तो फिर क्रिमिनल का हिम्मत नहीं है कि वो पुलिस के साथ किसी भी पुलिस के सिपाही तक को भी कुछ कहे। अभी कुछ दिन पहले मेयर और अजीत सिंह भी थे, हमारे यहां स्पेशल कमिश्नर हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही फैक्ट है यही बात। दूसरे सबसे बड़ी समस्या है पॉलिटिकलाइजेशन की। अब पॉलिटिक्स में आप मैं मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा, अभी जो सितंबर में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट आई है, आप उसको पढ़ के हैरान रह जाएंगे। 667 हमारे टोटल एमपीज हैं, नीचे ऊपर दोनों मिला के दोनों हाउसेस को मिला के 306 के अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेज हैं। 195 ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट में सीरियस क्रिमिनल केसेज। कंट्री में 4011 एमएलए हैं टोटल सभी स्टेट्स के खिलाफ, 1771 एमएलए के अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेज, 1100 ऐसे एमएलए हैं जिनके अगेंस्ट में सीरियस क्रिमिनल केसेज। किसी की हिम्मत है उनके खिलाफ कोई गवाही दे देगा? या जिसने कंप्लेंट की होगी वो क्या से बेचारा अपना केस लड़ेगा? उनको प्रोटेक्शन पुलिस को देती नहीं है। यही हाल हमारी जुडिशरी का भी है। अब वो पता नहीं कितना सही है, जो एक यूपी के बहुत बड़े क्रिमिनल थे, बता दें जज साहब ने उनके बारे में निर्णय देने से उसको पोस्टपोन करते देर नहीं दिए। तो इस पूरे सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है। तीन मेन प्लेयर्स हैं, पुलिस है, एक जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो हैं, और एक जुडिशरी है। इन तीनों हमारे जो प्लेयर्स हैं इसमें, उनके पूरी कार्य प्रणाली में रिफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली पुलिस रिफॉर्म के बारे में बहुत पहले कमीशन बना था, गवर्नर साहब थे हमारे बिजनौर के धर्मवीर जी, उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद आपको तो जरूर पता होगा कि प्रकाश सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए थे, और लेटेस्ट पोजीशन यह है कि उसको भी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए थे एक्चुअली उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स में, बहुत सी स्टेट्स ने किया। तो पुलिस कार्रवाई, पुलिस सिस्टम में या जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये होना चाहिए। और मैं समझता हूं जो हमारे लॉ के विद्वान लोग हैं, जो हमारे शिक्षाविद हैं लॉ के, उनको इस बात पे जरूर प्रेस करना चाहिए, जरूर कोई रास्ता निकालना चाहिए, नहीं तो कॉमन आदमी कहीं सुनवाई नहीं होती। और मैं नहीं समझता कि कोई भी बड़ा आदमी पुलिस थाने में जाने से खुशी से चला जाता है, वो डरता है हर आदमी पुलिस के थाने में जाने। मैं
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और अपने अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं अपने टीचर्स जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्लान किया और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएंगे। मैं अपने जो स्टूडेंट्स आए हैं भागीदारी कर रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर इससे इसका जो है इसकी गुणवत्ता बढ़ाई और इससे कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।